ग्रेजुएशन एडमिशन पे अभी अभी आई है नई अपडेट, तो पूरी वीडियो बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। लॉकडाउन में भी आपको एडमिशन में इतना पैसा लगेगा, पूरी खबर इसमें बताई जा रही है। साथ ही साथ सभी यूनिवर्सिटी में जो डेट है एडमिशन का, उस पर भी आ गई है बड़ी अपडेट। तो पूरी वीडियो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखना है, थोड़ा सा भी स्किप नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पे सभी यूनिवर्सिटी ने अपना नियम बदल दिया गया है। यानी पिछले साल का जो नियम था और इस साल के नियम में यहाँ पे बहुत सारी चेंजेज कर दी गई है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को सभी दोस्तों को शेयर कर दें। इंटर के सभी छात्र और छात्राओं के लिए नया नियम जारी किया गया है। आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि गर्मी की छुट्टी जो है 31 मई को समाप्त हो रही है। यानी सभी यूनिवर्सिटी में जो ग्रीष्मकालीन छुट्टी थी वो 31 मई को समाप्त हो रही है और जून में सेशन फिर से शुरू हो रहा है। ऐसे में आप लोग का जो एडमिशन है वो भी प्रक्रिया यहाँ पे शुरू हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि एडमिशन लेने से पहले पूरी जानकारी यहाँ पे आपको बताई जा रही है कि आपको जो है कितने फ़ी लगेंगे और कैसे आपको आवेदन करना है, क्योंकि इस बार नियम चेंजेज हुए हैं। तो फ़ी की बात करें, सबसे पहले तो सभी छात्र छात्राओं को पहले जो है रजिस्ट्रेशन फ़ी देना होगा, जो कि पहले भी देना होता था। तो ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन फ़ी देने के बाद आपको जो है एडमिशन का भी पैसा देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फ़ी की बात कर ले तो रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है सभी यूनिवर्सिटी का जो है वो 300 से 400 के बीच में रखा गया है। यानी आपको जो है 300 से 400 रुपया रजिस्ट्रेशन में वन टाइम लगेगा। आपको बता दें कि अगर छात्र एक बार से ज़्यादा बार रजिस्ट्रेशन करते हैं तो वो भी 300-400 रुपया जितनी बार रजिस्ट्रेशन करेंगे उतनी बार लगता जाएगा। यानी कि अगर आपका पहली मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आता है तो सेकेंड मेरिट लिस्ट के लिए आप वेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने यूनिवर्सिटी चेंज किया तो आपको फिर से रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगा, जो कि 300 से 400 के बीच है। अलग अलग यूनिवर्सिटी में किसी में 350 है तो किसी में 400 है तो किसी में 300 है। हालांकि साइबर कैफ़े के चार्जेज उसमें 100 रुपया आप अलग से ऐड कर दें, जो कि 500 रुपये के आसपास आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज लग जाएगा ऑनलाइन। अब बात कर लेते हैं एडमिशन में आपको कितना पैसा लग रहा है। तो एडमिशन की बात करें तो आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स सभी का यहाँ पे अलग अलग रखा गया है। यानी सबसे पहले बात कर लें साइंस स्टूडेंट के लिए, तो साइंस स्टूडेंट का जो एडमिशन फ़ी है वो यूनिवर्सिटी के अनुसार जो है थोड़ा सा वैरी कर रहा है। लेकिन फिर भी बात करें तो आपको जो है इस बार अच्छे खासे पैसे जो है देने पड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर बता दें आपको अब घर बैठे होगी ऐसी तैयारी जो आपके सपने को हकीकत में बदल दे। जी हाँ, अनअकैडमी लेकर आ गया है इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर को अपने अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे, जहाँ पे आप इनरोल होकर सारे टॉप एजुकेटर के साथ बिल्कुल फ्री में क्लास कर सकते हैं। नीट 2022 और नीट 2023 की सभी बैचेस शुरू हो रही है 19 मई से। इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर इवन कोटा के भी सारे टीचर्स आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिल रहे हैं। साथ ही साथ यही नहीं, आप एक बार फी पे कर जितने भी बैचेज हैं उसके आप इनरोल हो सकते हैं। यानी एक बार फी देना है और इंडिया के सारे टॉप एजुकेटर से क्लासेस कर सकते हैं अपनी मन मर्जी के अनुसार। कोई भी यहाँ पे पाबंदी नहीं है, आप सारे बैचेज में इनरोल होकर क्लास कर सकते हैं। यहाँ पे फी की बात करें तो आपको साल में एक बार ही फी पे करना है, और यहाँ पे अगर एक साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 2 महीने का फ्री मिलता है, अगर 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 3 महीने का फ्री मिल जाता है। फ़ी की बात करें तो आपको अगर 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो मात्र 3208 रुपीज़ पर मंथ ही लगता है। तो आप सोच सकते हैं आपके सपने को पूरा करने में कितना कम फी लग रहा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और 10% का ऑफर भी चल रहा है, आज ही लिंक इनरोल हो जाएं। यहाँ पे साथ ही साथ अगर आपकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आपके लिए स्कॉलरशिप भी दिया जा रहा है, जो कि हर संडे को हो रहा है। रेफरल कोड अभिषेक ट्यूटोरियल लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी करें। कि जून में आप लोग का जो है एडमिशन की प्रक्रिया शुरू हो रही है। बात करें तो प्रथम सप्ताह के जून से सभी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑनलाइन पोर्टल पे वेबसाइट पे जारी कर दिया जाएगा। छात्र छात्राएं उसी की वेबसाइट से ऑनलाइन एडमिशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करें पटना यूनिवर्सिटी की, तो पटना यूनिवर्सिटी में इस बार यहाँ पर इंटरव्यू को समाप्त कर दिया गया है। यानी छात्र और छात्राएँ बिना इंटरव्यू के इस बार जो है कोर्सेज में एडमिशन ले पाएंगे।
आप बात कर लेते हैं फ़ी की कि फ़ाइनल फ़ी क्या लगेगा, तो सभी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन फ़ी जो है एक समान है, जो कि 350 से 400 के आसपास है। लेकिन फ़ी जो है वो सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग है, यानी कॉलेज के अनुसार आपका फ़ी जो है वैरी करेगा, जो कि आपका 3,000 रुपये, 2,000 रुपये और किसी किसी कॉलेज में 4,000 रुपये भी एडमिशन फ़ी आपको लग सकता है। यानी मिनिमम आपको 2,000 से 2,500 रुपये आप एडमिशन फ़ी तो मानकर ही चले। हालांकि अलग यूनिवर्सिटी में जो टॉप कॉलेजेज हैं वहाँ आपको 4,000 रुपये तक भी आपको एडमिशन फ़ी लग सकता है। बात कर ले वैसे छात्र जिन्होंने अभी तक मार्कशीट नहीं लाए हैं, क्योंकि अभी तो किसी का मार्कशीट अभी आया नहीं है, तो मार्कशीट भी है जो जून से ही आपके स्कूल कॉलेज में मिलने शुरू हो जाएंगे। यानी जून से आपकी एडमिशन भी शुरू हो जाएगी और जून से आपके मार्कशीट भी मिलने शुरू हो जाएंगे। तो आप लोग कॉलेज में एडमिशन के लिए जाना ऑनलाइन करने के बाद पहली मेरिट लिस्ट आएगी सभी यूनिवर्सिटी की, तो आपको कॉलेज में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना होगा, जिसमें आपको सब कुछ ओरिजिनल लेके जाना पड़ता है। तो आपका मार्कशीट जो है वो भी आपका जून में ही आने जा रहा है, तो दोनों चीज़ एक साथ हो रहा है, तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। पहली मेरिट लिस्ट जारी होने में कम से कम 15 दिन का समय लगता है, यानी आपका 2 जून, 3 दिन, 4 जून से भी अगर ऑनलाइन शुरू होता है तो आपका पहली मेरिट लिस्ट जारी होने में 20 से 25 जून का समय लग जाएगा। यानी 20-25 जून का आपका पहली मेरिट लिस्ट आएगा और उसके बाद आपको कॉलेज बुलाया जाएगा, जो कि जून का आखिरी महीना करीब करीब चला जाएगा, आखिरी डेट चला जाएगा। तो ऐसे में आपके पास अच्छा खासा समय है, तो आप लोग आराम से एडमिशन ले पाएंगे। बात कर ले जो छात्र यहाँ पे रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट उनका सुधार नहीं हुआ है, वो भी एडमिशन कैसे लेंगे, तो उनका भी आराम से एडमिशन हो जाएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। बात करें कि इस बार बदलाव क्या हुआ है एडमिशन में, इस बार बदलाव ये हुआ है कि पिछली बार जो है वो 3 मेरिट लिस्ट आते थे, इस बार जो है मेरिट लिस्ट की संख्या बढ़ाई जाएगी। यानी अब जो है 3 मेरिट लिस्ट की जगह 4 मेरिट लिस्ट भी किए जाने की बात चल रही है, यानी जो छात्र देर से एडमिशन लेंगे उन्हें भी इसका फ़ायदा मिलेगा। 3 मेरिट लिस्ट की जगह इस बार 4 मेरिट लिस्ट भी जारी हो सकती है, ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रावधान किया जा रहा है। तो ऐसे में सभी छात्र छात्राओं को इसका फ़ायदा मिलना वाजिब है। तो आप चैनल पे पहली बार से सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ग्रेजुएशन पे हर अपडेट आपको सटीक अपडेट मिलती है अभिषेक ट्यूटोरियल पे। मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया था कि 2 जून के आसपास आपका जो है एडमिशन शुरू होने जा रहा है, और अब तो न्यूज़पेपर में भी दे दिया गया है कि आप लोग का एडमिशन जो है जून में शुरू हो जाएगा, क्योंकि 31 मई को आपकी समर वेकेशन ख़त्म हो रही है। तो बिल्कुल करेंट अपडेट सबसे पहले अगर दी जाती है तो अभिषेक ट्यूटोरियल पे ही दी जाती है। आप किस यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं कमेंट में अपना कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपको नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे चाहिए ये भी कमेंट करके ज़रूर बताएं। सभी लोग अपने अपने यूनिवर्सिटी का नाम ज़रूर लिखें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार है सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर लें, ताकि हर अपडेट आपको मिलती रहे।